अस्सलाम वालेकुम गाइस, और ये आलम सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको दिखाने लगा एक बहुत ज़बरदस्त व्यू। हम आए हैं चकदरा सवात, यहाँ पे फ़िशिंग हट है और यहाँ पे फ़िशिंग लोग करते हैं आके। और ये हम आर्मी के गेस्ट रूम्स में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको वीडियो बना के दिखाऊँ, ताकि आपका भी कभी आना हो तो यहाँ पर ज़रूर आए। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुड़ के। ये देखें, पीछे दरिया बह रहा है और पीछे हर तरह के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इवन के आपको 22 मार्च है आज, और 22 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कि डालता कब हूँ। पीछे यहाँ पे आपको बर्फ़ वाला पहाड़ भी नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर बर्फ़ है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा। बाकी मैंने फ़ोटोग्राफी किया, बहुत ज़बरदस्त बुरी सी, बहुत ज़बरदस्त बुरी सी। आपने एंड पे वो देखनी है, आपको वो भी दिखाऊँगा। ये देखें ज़रा, दरख्त कितने ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने लगे हुए हैं लाइन से, इसकी भी फ़ोटोग्राफी करता हूँ। और बाकी ये फ़्लावर्स हैं, इनकी मैंने किया थोड़ी सी। बाकी आपको वो भी दिखा देता हूँ पहाड़, जिसके ऊपर बर्फ़ है, जूम करके अगर इस कैमरे में नज़र आता है तो। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो नज़र आ रही होगी अच्छी, बहुत अच्छी नज़र आ रही होगी। और आप पसंद करेंगे इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मैं दिखा सकूं। तो यहाँ से एक आपको पॉइंट दिखाता हूँ, वो अब उसका नाम नहीं है, चर्चल लिखा हुआ है। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ जूम करके। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे जाके। अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ से आपको दरिया, पहाड़ सब कुछ बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे आपको पैदल जाना पड़ेगा, और मैं पैदल जाने के लिए इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत थका हूँ। यहाँ से 2-3 किलोमीटर का ये रास्ता है पैदल का, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये ब्रिज है, नज़र आ रहा होगा, ये पानी के पास मैं जा रहा हूँ। इसका बहाव यहाँ से काफ़ी कम है, मतलब मेरे हिसाब से कम है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ही है, लेकिन उस साइड पे बहुत ज़्यादा है देखने में, उस साइड से बहुत ज़्यादा है। वो देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरे ख्याल से बंदा छोड़ेगा नहीं। अच्छा ये देखें, बहुत ज़बरदस्त व्यू आपको नज़र आ रहा होगा पानी का। इधर ही फिशिंग होती है, थोड़ा सा पीछे होती है। वो देखें एक ज़बरदस्त सा सीन, अगर कैमरा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सके। ये देखें चला रहे हैं भैंसों को, इवन के ये दरिया पार कर रही हैं। अच्छा, वो पहाड़ जो मैं आपको कह रहा था जिस पर मुझे बर्फ़ नज़र आ रही है, वो ये यहाँ पे है। अब कैमरे में ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है इसका। तो ये देखें, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इसके ऊपर आप खड़े होकर पहाड़ के साथ और रिवर के साथ, आप दरिया के साथ बहुत ज़बरदस्त आप फ़ोटोग्राफी यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें दरख्त, बहुत ज़बरदस्त। पीछे सारा आर्मी का एरिया है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मेस, ये आर्मी का मेस है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम खाना खाने लगे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, दरिया के पार एक बंदा नज़र आ रहा था मुझे, ये फिशिंग करने आया हुआ था। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये है। हाँ, ये देखें, इसने जाल पकड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है मुझे कैमरे को, और ये देखें ये जाल इसने फेंका है। अगर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ जाए, ये देखें, ये इसने फ़िशिंग के लिए जाल फेंका है, और वहाँ पे दरिया ज़्यादा तेज़ बह रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे फ़िशिंग के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएं। गाइस, ये अंदर सिटिंग का अरेंजमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त था। ये सामने मैस है, और यहाँ पर हम खाना खाने लगे हैं, ये बैठे हैं। ये कप्तान साहब हैं, इनकी मैं वीडियो नहीं डाल सकता। बाकी बहुत ज़बरदस्त व्यू है, वो वहाँ पे पहले मैं वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था नीचे। बाकी आपको वापसी का रास्ता दिखाऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त है, टनल भी आएगी आगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। गाइस, एक और बड़ा ज़बरदस्त व्यू आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है, ये बहुत ज़बरदस्त टनल आई है, और ये काफ़ी बड़ी है। पाकिस्तान, चाइना, चाइना दोनों का, ये मेरे ख्याल से नहीं, ये आर्मी का, पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। और ये इधर जाने के लिए बनी है, वो आने के लिए, लेकिन इस टाइम सिर्फ जो है वन जो एक ही है, जो वही चल रही है इस टाइम फ़िलहाल, तो बाकी जो है वो फंक्शनल नहीं हुई हुई, वो भी बन रही है। देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ट्विन ट्यूब टनल सवात मोटरवे, वो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। अब ये देखें, काफ़ी बड़ी टनल होगी, और ये वीडियो मैं फास्ट करके चला दूँगा।
अब जाके ख़त्म हुई है। बहुत ही डेंजरस रास्ता है, ख़तरनाक मोड, और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। इतने अच्छे रोड हैं, उतना अच्छा नज़ारा है, और ये ऐसे रास्ते पे मैं पहली दफ़ा ड्राइव कर रहा हूँ। एहतियात बेहतर है। तो गाइज़ यहाँ पे हम रास्ते में रुके हैं वापसी पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वो पहाड़ हमने उतरा है वो सामने, ये सारा हम उतर के आए हैं, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और ये आपको देखने वाला यार ये रास्ता है, आप स्वात की तरफ आएँ तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे टनल थी तो मैंने अभी टनल आपको दिखाई है वो। तो ये रास्ता हम उतर के आए हैं, डेंजरस था, खैर उतर गए हैं अल्लाह का शुक्र। अब हम मोटरवे पे जा रहे हैं, ये सीधा रास्ता मोटरवे की तरफ जा रहा है, ये गाड़ी खड़ी है हमारी। गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। न्यू वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ये कुछ बोल रहा है मेरा कज़न, बोल दो भाई, बेल का आइकन भी दबा दें, कह रहे हैं भाई, ये मेरे कज़न है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।